नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सदीकी। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के लिए 4 राज्यों की ईवीएम आवंटित कर दी हैं। कौन कौन से हैं वो राज्य जहां से चुनाव के लिए ईवीएम मशीनें लाई जाएंगी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां दिन ब दिन तेज होती जा रही है। जहाँ तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में मशरूफ है, तो वही इलेक्शन कमीशन ने भी यूपी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी ने करीब 1 लाख और ईवीएम की मांग की गई है, जिसे देखते हुए चुनाव आयोग ने देश के 4 राज्यों से ईवीएम लाने की तैयारियां कर ली हैं। और वो राज्य हैं महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और छत्तीसगढ़, जहां से इस बार यूपी चुनाव के लिए 2 लाख ईवीएम यूपी लाई जाएंगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को कोविड नोडल अधिकारी भी बनाया जाएगा, और वो नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएंगे। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने 1500 के बजाय 2000 मतदाताओं पर एक पोलिंग बूथ बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ अब प्रदेश में करीब 1,85,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। इन सब पोलिंग बूथों के लिए करीब 2,93,000 ईवीएम की मांग की है। इसमें 2 लाख ईवीएम भारत निर्वाचन आयोग ने आवंटित कर दी हैं, और अगले महीने उत्तर प्रदेश के लिए 4 राज्यों से भी ईवीएम मांग ली जाएगी। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में ईवीएम और वीवीपीएट रखने के लिए वेयर हाउस भी बनकर तैयार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन दोनों ही कंपनियों की ईवीएम इस्तेमाल की जाएगी। ईसीआईएन 54 जिलों में तो बीएल 21 जिलों में अपनी मशीनों से मतदान कराएगा। अगले महीने ईवीएम आने के बाद इनकी फर्स्ट लेवल की चेकिंग की जाएगी। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखने के लिए कहा है, और इसी के मुताबिक तमाम तैयारियां करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी काफी गंभीर नजर आ रहा है। आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अब उन सीटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जहां पिछले चुनावों में कम मतदान होता रहा है। आयोग कम मतदान वाले बूथों को चिन्हित कर वहां विशेष जागरूक अभियान भी चलाएगा। मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में महिला और पुरुष मतदाताओं का अनुपात कम है, वहाँ इसे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में सर्विस मतदाताओं की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो यूपी विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीनें भेजने के लिए महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। तो इस चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर की गई इलेक्शन कमीशन की तैयारियां क्या रंग लाती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।